केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया मतदान। वोट डालने के बाद रिपब्लिक भारत से बोले अनुराग ठाकुर, कहा अच्छी सरकार के लिए लोग कर रहे हैं वोट, जनता के आशीर्वाद का भरोसा। एग्जिट पोल की डिबेट से कांग्रेस की दूरी पर गृहमंत्री अमित शाह का राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला, कहा हमने कभी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया, कांग्रेस पार्टी को अपनी हार का सामना करने का साहस दिखाना चाहिए। बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने भी किया अपने मत का प्रयोग, वोट डालने के बाद कहा हिमाचल की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी, साथ ही लोगों से की वोट करने की अपील। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने अपने परिवार के साथ मतदान किया, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा तुष्टीकरण और झूठ की राजनीति करता है विपक्ष। मिर्जापुर से एनडीए उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल ने जीत का किया दावा, कहा बीजेपी बनाएगी हैट्रिक, 4 जून का करें इंतजार, सब कुछ हो जाएगा साफ, इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रत्याशी मिथुन चक्रवर्ती ने डाला वोट, कहा मैंने मेरा राजनीतिक कर्तव्य पूरा किया। बलिया में ओपी राजभर ने किया मतदान, वोटिंग के बाद लोगों से की मतदान करने की अपील, कहा बेहतर भविष्य के लिए वोट डालें। पश्चिम बंगाल के जयनगर में चुनाव के दौरान बवाल, बीजेपी के बूथ एजेंट को पीटने का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पीटने का आरोप लगा। पुणे हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी की मां को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी की मां पर ब्लड सैंपल बदलवाने का है आरोप। दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो पुलिस स्टेशन में आग लगने की खबर, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी आग। यूपी के बहराइच में कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग, आग लगने से मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के मथुरा में दुष्कर्म और लूटपाट के आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई, पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से फरार हुआ था आरोपी।